हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये वाला डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। ये जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, जो मैंने ये बॉर्डर का डिज़ाइन है, ये ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने शेयर कर रखा है। आप चाहे तो लिंक से देख सकते हैं उसको। और ये वाला डिज़ाइन मैं आज शेयर करने जा रही हूँ, स्वेटर का डिज़ाइन है। छोटा छोटा सा डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत लगता है। और आप इसको बच्चों के स्वेटर पर, कार्डिगन पर और जेंट्स के स्वेटर पर भी आप इसको डाल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लगता है। और कैप मफलर वगैरह में भी ऐसे डिजाइन बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सिर्फ चार लाइंस का डिजाइन है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको आप इजीली बना सकते हैं। चार चार फंदों के मल्टीपल प्लस थ्री आप करेंगे तो डिजाइन आपका सेटल हो जाएगा। जो तीन फंदे मैंने प्लस बताए हैं, उनमें से दो एज के फंदे हैं एक डिजाइन को इक्वल करने के लिए। तो जैसे आपने चार चार के मल्टीपल में 12 फंदे लिए, प्लस थ्री मतलब 15 फंदे हो गए, दो आपके एज पे आ जाएंगे और एक ये आ जाएगा आपका इस डिजाइन को सेटल करने के लिए। तो यानी आपको चार चार के मल्टीपल प्लस वन प्लस टू लेना पड़ेगा। तो चलिए पहली लाइन इसकी शुरू करते हैं। पहली लाइन सीधी साइड देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये एक फंदा उतारा और तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो और तीन। एक उतारने के बाद तीन सीधे बनाए। अब तीन फंदों के बाद हमें दो फंदों के बीच में, यानी कि तीसरे चौथे फंदे के बीच में ऐसे निडिल डालनी है इन तीन फंदों के बाद। ये देखिए बीच के जो गैप होता है उसमें निडिल डाली, इसमें से एक लूप ऐसे निकाला इस तरीके से, धागा पीछे ही रहेगा, इस तरीके से डाला, इसमें एक लूप निकाला ऐसे, इसमें इसको पहले इस सिलाई पे लिया और इसको पहले फंदे के साथ, पहले नंबर का जो फंदा है तीन में से उसके साथ इसको बैक लूप से साथ में बना देना है। दो का एक हो गया क्योंकि हमने एक फंदा यहाँ पे बैक से निकाला है, तो ये बढ़ जाता है इसमें। तो ये दो फंदे सीधे, तो ये आपके बराबर हो गए फंदे, और एक फंदा सीधा। तो ये आपका यहाँ तक पैटर्न एक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो थ्री फंदे हैं उनके बाद आपको निडिल ऐसे डालनी है इस तरीके से, एक लूप निकालेंगे इस तरीके से, इस वाले सलाई पे चढ़ाएंगे, पहले फंदे के साथ इसको बैक लूप से दो का एक कर देंगे। पूरी लाइन को आपको इसी तरीके से रिपीट करते हुए जाना है इस तरीके से। ये दो फंदे फिर सीधे आ गए और एक और फंदा सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए फिर से ये चार का पैटर्न हो गया। फिर से इन तीन फंदों के बाद ऐसे निडिल डालेंगे, एक लूप निकालेंगे ऐसे, इस पे लेंगे और बहुत ढीला भी नहीं बहुत टाइट भी नहीं रखना है उसको, पहले फंदे के साथ बैक लूप से इसको दो का एक कर देंगे, दो इन दो को साथ में बना लेंगे और दो फंदे सीधे और एक फंदा और सीधा आ जाएगा। अब एक फंदा यहाँ पे, ये देखिए तीन और चार हो गए। फिर से तीन फंदों के बाद ऐसे निडिल डालेंगे इस तरीके से, एक लूप निकालेंगे यहाँ से, इस वाले सलाई पे चढ़ाएंगे और इसको पहले वाले फंदे के साथ दो का एक कर देंगे, यानी कि इसको क्योंकि ये बढ़ा हुआ आएगा तो इसके साथ हमने एक कर दिया, तो ये आपके फंदे इक्वल हो गए। बस यही ये डिजाइन है, यही आपको पूरी लाइन में रिपीट करते हुए जाना है। ये आपके पास एंड में तीन फंदे बचे होंगे। यहाँ पे आपका ये हमने लूप निकाला, ये दो फंदे सीधे बनाए, एक फंदा और सीधा जो बनता है, जैसे हमने चार चार का बना रखा है पहले से। अब तीन फंदे आपके पास एंड में बचेंगे, उनमें से दो आप इस तरीके से इस डिजाइन के फंदे हैं और एक आपका एज का फंदा है, तीनों को सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। अब इसकी जितनी भी बैक साइड की रो आएंगी, चार ही लाइन का डिजाइन है लेकिन बैक साइड में ये हर बार उल्टा बनेगा। सारे फंदों को आप इस तरीके से उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके के जो डिजाइन होते हैं जिसमें उल्टी साइड की लाइंस एक जैसी बनती हैं, वो डिजाइन आसान होते हैं, बिगनर्स उनको इजीली बना सकते हैं। आप ऐसे डिजाइन को ट्राई कीजिएगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और डिजाइन भी आसानी से बन जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए।
ये हमने सेकंड नंबर की रो कंप्लीट कर ली पूरी उल्टी बना के। आप थर्ड रो सीधी साइड में आ जाएंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इस रो में आपको एक फंदा उतारना है क्योंकि एज का फंदा है, और एक फंदा सीधा बनाएंगे। इसके बाद तीन फंदों के बाद वही करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, ऐसे निडिल डाली, एक लूप निकाला सामने वाले एक फंदे के साथ, सबसे फर्स्ट वाला जो फंदा है उसके साथ हमने दो का एक कर दिया। अब एक दो फंदे सीधे, अब एक और फंदा सीधा, तो ये आपका चार का चार चार का डिजाइन बनता जा रहा है। फिर से इन तीन फंदों के बाद ऐसे निडिल डालेंगे, गैप में निडिल डालनी है, देखिए तीन दो फंदों के बीच में, यानी कि तीसरे और चौथे फंदे के बीच में ऐसे निडिल डालनी है। ऐसे निकाला, अब पूरी रो को हम ऐसे ही रिपीट करेंगे, इसको बैक लूप से पहले फंदे के साथ सीधा बना लेंगे। दो फंदे सीधे, एक फंदा और सीधा, फिर से तीन फंदे के बाद डालेंगे इसको इस तरीके से। एक लूप निकाला, पहले फंदे के साथ इसको दो का एक कर दिया, दो फंदे सीधे, पूरी लाइन को आप रिपीट करते हुए जाइए। अब चार चार फंदों में डिजाइन बन रहा है तो पूरी लाइन रिपीट होगी। तीन ये फंदे हो गए, एक और सीधा बना रहे हैं तो ये चार हो गए। फिर से तीन जो फंदे हैं उसके बाद निडिल को डाला ऐसे, इसको निकाल के लूप पहले वाले फंदे के साथ बैक लूप से दो का एक कर देंगे इसे इस तरीके से। दो फंदे सीधे और ये एक फंदा और सीधा, तो एंड तक इसी तरीके से मैं इसको करते हुए जाती हूँ। ऐसे डाला इसमें, बैक लूप से बनाया, दो फंदे सीधे, एक और फंदा सीधा। मैं ज़्यादा फंदों में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि उसमें क्लियर हो जाता है डिज़ाइन। और यहाँ पे आपको सिर्फ स्टार्टिंग में ध्यान रखना है दोनों बार, पहली और तीसरी लाइन में, बाकी पूरा डिज़ाइन आपका ऐसे ही बनता हुआ जाएगा। पूरी लाइन को क्योंकि रिपीट करना है बार 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 बार, आपको इसी तरीके से इसको बनाते हुए जाना है हर चार फंदों में, तो इसलिए फटाफट ये बन जाएगा आपका। बस पहली लाइन में आपको तीन फंदे यहाँ पे एक उतारने के बाद तीन फंदे सीधे बनाने हैं, उसके बाद आपको ऐसा ही करना है। और तीसरी लाइन में आपको एक फंदा उतारने के बाद सिर्फ एक फंदा बनाना है, उसके बाद आपको इस तरीके से करना है ये। देखिए यहाँ पे आपके तीन फंदे हैं, इनमें किया ऐसे ही, और ये बैक लूप से बनाया इसको, दो फंदों को सीधा बनाया, ये लास्ट रिपीट होगा आपका। और ये आपके एक एज का और एक ऐसा फंदा बचा होगा, एक बनाया और एज का फंदा भी सीधा बना दिया, यानी कि आपके दो फंदे यहाँ पे एंड में सीधे आ जाएंगे और आपका यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। उल्टी साइड की लाइन हर बार उल्टी ही आएंगी, तो ये चौथी लाइन है उल्टी साइड सीधी, उल्टी साइड की लाइन है और पूरा उल्टा ही इसको बुनेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, बहुत आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है। जब आपको डिज़ाइन अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको प्लीज़ साथ साथ में इसको रिपीट कीजिए, जैसी जैसी मैं जैसी वीडियो में बना रही हूँ वैसी वैसी आप वीडियो देखते देखते इसको रिपीट कर सकते हैं। जैसा जैसा बताया गया है वैसे ही आप फंदों में करते जाइए, आपका डिज़ाइन आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो आप आसानी से ऐसे डिज़ाइन्स बना के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उल्टी साइड की रो बना के मैंने कम्प्लीट कर ली है, चार आपके यहाँ पे बन चुके हैं। देखिए चार लाइन्स यहाँ पे कम्प्लीट होती हैं आपकी, और ये डिज़ाइन यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए ये ऊपर का डिज़ाइन है और नीचे का मेरे चैनल पर है ऑलरेडी, ये बॉर्डर का डिज़ाइन है, ये आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। मैं एक बार पहली लाइन को रिपीट करके दिखा देती हूँ इस डिज़ाइन की। सबसे पहला फंदा आपको उतारना है, और एक पहला फंदा उतारते इसलिए हैं क्योंकि इसकी जो साइड की लाइन है वो एज स्मूथ आता है, इसलिए हम उतार के लेते हैं। अब एक दो तीन फंदे हम यहाँ पे सीधे बनाते हैं, उसके बाद इन तीन फंदों के बाद ऐसे निडिल डाली ऐसे,
देखिए ऐसे सलाई डाल के एक लूप निकाला, इस तरीके से लिया और दोनों फंदों को साथ में बैक लूप से ऐसे बना दिया। एक और दो फंदे सीधे आएंगे यहाँ पे और एक और फंदा सीधा आएगा। अब पैटर्न रिपीट होगा, फिर से इस तरीके से निडिल डाली, एक लूप निकाला, बैक यहाँ पे लिया, पहले फंदे के साथ इसको दो का एक किया, दो फंदे सीधे, एक दो, एक फंदा और सीधा। तो पूरी लाइन को रिपीट करते हुए जाएंगे इस तरीके से। सेम आपका थर्ड लाइन में भी होगा, बाकी उल्टी साइड की लाइन आपकी उल्टी ही आएंगी। और थर्ड लाइन में आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया है, ये तीन बनाए, एक और सीधा आएगा, फिर से बैक लूप में इस तरीके से हम बैक से लूप निकालेंगे इसके, और ये इसको दो का एक कर देंगे, दो फंदे सीधे, अब एक और फंदा सीधा, फिर से तीन के बाद निडिल डाल के एक लूप निकाला, पहले वाले के साथ इसको दो का एक बनाया, दो फंदे सीधे, एक दो, एक और फंदा सीधा। फिर से डिजाइन को रिपीट करते हुए जाएंगे, इसी तरीके से पूरी लाइन को रिपीट करते हुए जाना है और आपका पैटर्न बन जाएगा। ऐसे जो पैटर्न होते हैं वो फटाफट से बन भी जाते हैं और एलिगेंट भी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप इनको किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया है। और ये आपका पहली लाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, एक फंदा सीधा और ये एक दो, एंड में आपके दो पहले सीधे आएंगे, ये एच का फंदा भी सीधा। ये पैटर्न आपका ऐसा दिखेगा, ये देखिए बहुत सुंदर पैटर्न बनके इसका आता है और आप इसको किसी पर भी डाल सकते हैं। तो फिर बनाइए, डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।